गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी पोएम है वो है द वॉइस ऑफ द रैन। ओके स्टूडेंट, और ये 11th क्लास की पोएम है और इसके जो राइटर है वो है वाल्ट हिटमैन। ओके, वाल्ट हिटमैन। और इस पोएम में कवि क्या बताना चाहता है स्टूडेंट, कवि बताना चाहता है कि अबाउट द रैन, रैन के बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार से रैन हमारे लिए यूज़फुल होती है, उपयोगी होती है। और रैन के बारे में उन्होंने बताया है कि जब रैन बोलती है तो जो पोएट है उनको एक स्ट्रेंज आवाज़ आती है और उनको बहुत ही मतलब कि अजीब सा महसूस होता है कि जो वॉइस है वो कभी रैन की वॉइस नहीं हो सकती। ओके, इसमें दो होते हैं स्टूडेंट, एक तो वॉइस होता है, एक साउंड होता है, ठीक है। साउंड और वॉइस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड वॉइस। वॉइस का यूज़ किया जाता है फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, जो भी लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए वॉइस का यूज़ किया जाता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि फ़ोन हो गया, ठीक है, टेलीविज़न हो गया, और उनको क्या कहते हैं, उनका जो उनकी जो आवाज़ निकलती है उनको कहते हैं साउंड। ओके, उनको क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स बोलते हैं जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, उनकी जो आवाज़ निकलती है उसको क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। तो रेन जब बोलती है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है द वॉइस ऑफ द रेन, तो कवि स्ट्रेंज होता है, अजीब सा महसूस करता है कि रेन की वॉइस कैसे हो सकती है जबकि साउंड होता है रेन का। तो ओके, तो इस पोएम में कवि बताता है कि उसके बाद ट्रांसलेट करता है, पोएम को ट्रांसलेट करके बताता है कि किस प्रकार से जो वर्षा होती है, जो रेन होती है, वो किस प्रकार उपयोगी होती है। ओके, और विदाउट रेन, बिना रेन के जो पृथ्वी पर जो फसलें होती है, ओके, जो क्रॉप होती है, वो एक प्रकार से विदाउट रेन नहीं हो सकती, बिना बारिश। इसमें बताना चाहता है कवि कि इम्पोर्टेंस ऑफ द रेन, कि रेन का जो महत्व है उसको बताना चाहता है कवि इस पोएम के माध्यम से। अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम। यहाँ पर एंड हु आर थू, आर थू का मतलब यहाँ पर है स्टूडेंट हु आर यू। ओके, तो कवि पूछता है वर्षा से, जो रेन होती है उससे पूछता है कि एंड हु आर थू, कि आप कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मतलब कि उसने कहा कि जब वर्षा ने कहा कि मैं एक सॉफ्ट फॉलिंग शावर हूँ, बौछार हूँ, हल्की हल्की जब बौछार आती है, ठीक है, सॉफ्ट मुलायम जो बौछार आती है, तो वर्षा कहती है कि मैं जो आसमान से गिरने वाली जो बौछार होती है, ठीक है, मैं वो हूँ। अब विच स्ट्रेंज टू टेल, ये अजीब बात लगी, ठीक है, पोएट को, कवि को, क्योंकि वॉइस रेन की नहीं हो सकती। ओके, रेन का क्या होता है, साउंड होता है। जब बारिश आती है और उस टाइम पर जब गिरती है तो उसका जो साउंड क्रिएट होता है, ठीक है, उससे फील होता है कि ये साउंड किसका है, रेन का है, न कि वॉइस। वॉइस होती है जो बोलते हैं। ओके, और साउंड जो महसूस किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, उसने कहा कि, कवि ने कहा कि मुझे उत्तर दीजिए, मुझे बताइए कि आप कौन हो, ठीक है। फिर एज ही ट्रांसलेटेड, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मतलब कि ट्रांसलेट करती है पोएम, ठीक है, सॉरी, जो रेन होती है, जो वर्षा होती है, ओके, वो ट्रांसलेट करके बताती है अपने बारे में, अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में। ओके, अब कैसे बताती है, किस प्रकार उसने पोएम, रेन ने बताया अपने बारे में, अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में। इटर्नल आई रेज, सॉरी, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं पृथ्वी की क्या हूँ, कविता हूँ, पृथ्वी की क्या हूँ, कविता हूँ। रेन कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। इसमें जो रेन है
वो कहती है कि मैं पृथ्वी की क्या हूँ, एक कविता हूँ। फिर नेक्स्ट शेयर द वॉइस ऑफ रेन, और किसकी आवाज़ थी ये आवाज़ थी रेन की, वर्षा की आवाज़ थी, ठीक है, बरसात की आवाज़ थी। फिर इटर्नल आई राइज इम पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। फिर उसने कहा, वर्षा ने कहा कि मैं कहाँ से निकलती हूँ, एक तो सी से समुद्र से निकलती हूँ, ठीक है, और लैंड भूमि से निकलती हूँ, ठीक है, समुद्र की जो तल है वहाँ से और भूमि से मैं निकलती हूँ। और सम इम्पेलेबल मीन्स होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, ओके, कि कुछ ऐसी चीज़ जिसको टच ना किया जा सके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। और मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ, आसमान की तरफ उठती हूँ कि बिना टच हुए, कि जैसे कि वेपोरेशन, ठीक है, वेपोरेशंस क्या होती है, इवेपोरेशंस क्या होती है, इवेपोरेशंस होती है भाप, ठीक है, जैसे भाप उठती है, भाप जब बरसात का जो साइकिलिंग होता है, जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि समुद्र से इवेपोरेशंस होती है, भाप उठती है, ओके, फिर वो ऊपर की तरफ जाती है, ठंडी हवाएं चलती है ऊपर की तरफ जाती है और क्या होता है फिर आसमान में जाकर वो बादल के रूप में बन जाती है, ओके, फिर बादल के रूप में जब बन जाती है तो उसके बाद क्या होती है वहाँ से बारिश होना शुरू हो जाती है। और यही प्रोसेस, सेम प्रक्रिया, ओके, सेम प्रोसेस जो साइकिलिंग होती है, वाटर साइकिलिंग होती है, वो चलती रहती है। तो यहाँ पर इवेपोरेशंस, इवेपोरेशंस मीन्स भाप, ठीक है, भाप बनकर वो ऊपर की तरफ उठती है भाप बनकर ऊपर की तरफ उठती है और क्या होती है फिर उसके बाद वो बारिश करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट अपवर्ड टू हेवन, यहाँ पर जब रेन ने कहा कि मैं कहाँ से निकलती हूँ, मैं समुद्र से और भूमि से निकलती हूँ और भाप बनकर ऊपर की तरफ उठ जाती हूँ, और कहाँ की तरफ जाती हूँ, अपवर्ड टू हेवन, मतलब कि हेवन यहाँ पर स्वर्ग नहीं है स्टूडेंट, ओके, इज दैट क्लियर, यहाँ पर हेवन, हेवन इज नॉट ए स्वर्ग, ठीक है, यहाँ पर हेवन स्वर्ग नहीं है, यहाँ पर हेवन है स्काई, हेवन इज यूज्ड फॉर स्काई, स्काई के लिए ये उपयोग हुआ है कि अब जो बारिश होती है वो क्या होती है, कैसे होती है कि समुद्र से, ठीक है, समुद्र और भूमि से भाप बनकर ऊपर की तरफ निकलती है बिना टच हुए, ओके, और फिर उसके बाद वो कहाँ, किस तरफ जाती है, स्काई की तरफ, आसमान की तरफ चली जाती है। वेंस, जहाँ से वेगली फॉर्म अल्टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, और जहाँ से वो क्या होता है फिर कि जो उसका रूप है, ठीक है, उसका जो रूप है भाप बनकर ऊपर की तरफ उठती है और उसका जो रूप है वो क्या होता है चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है, और थोड़े थोड़े, इसका मतलब है कि जो वेगली मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, छोटे छोटे भाप, जो भाप निकल कर एवेपोरेशंस में जो चेंज होकर भाप बनकर ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर जाकर क्या बन जाती है, आसमान में जाकर क्या बन जाती है, बादल का रूप ले लेती है, थोड़े थोड़े बादल, ठीक है, अलग अलग, और जो उनकी आकृति होती है, ठीक है, और जो इनका आकृति होती है अलग आकृति में, अलग अलग शेप में वो बन जाते हैं बादल, ठीक है, कि एक नहीं होते, अलग अलग शेप में बादल बन जाते हैं। फिर उसके बाद एट द सेम, ये एट द सेम, सेम नहीं होते, ठीक है, अलग अलग बदल जाते हैं, ठीक है, अलग अलग चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे बादलों के रूप में वो बदल जाते हैं, बदल जाती है जो भाप होती है ऊपर जाकर आसमान में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटमिन्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यहाँ पर है अर्थ, ग्लोब का मीन्स है यहाँ पर अर्थ, ओके, और ड्राउट्स मीन्स सूखा, ड्राई, ओके, ड्राउट्स मीन्स यहाँ पर ड्राई, सूखा, इट मीन्स
टाइनी पार्ट। पार्टिकल्स टाइनी पार्टिकल्स पार्टिकल्स। फिर लेव, यहां पर लेव का मतलब होता है स्टूडेंट कि धुप जाना, ठीक है। लेव मीन्स वास होना, वास हो जाना, वास धुप जाना। डस्ट लेयर, डस्ट लेयर मतलब कि जो मिट्टी की जो परत होती है वो भी धुप जाती है। तो यहाँ पर रेन क्या कहती है, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स इट मीन्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। कि अब रेन ने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो डस्ट लेयर है, मिट्टी वाली लेयर है, और जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, और साथ में जो सूखापन होता है, ठीक है, उसको मैं क्या करती हूँ, वाश कर देती हूँ, धो देती हूँ, गीला कर देती हूँ, ठीक है। जो सूखापन है, जैसे कि फार्मर है, फार्मर जब अपने खेतों में जाते हैं तो उनको किसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है बरसात की। उस टाइम पर बरसात की नीड होती है जब वो अपनी फसल को, क्रॉप को उगाते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो उस टाइम पर जो फार्मर्स होते हैं उनको आवश्यकता होती है, उनको नीड होती है रेन की। और जो कहाँ से, ये किस कैसे प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होती है, साइकिलिंग क्या होती है, वाटर साइकिलिंग क्या होती है, कि जैसे भूमि से या फिर समुंदर से भाव बनकर ऊपर की तरफ उठती है, और फिर ठंडी जो हवाएं चलती है वो और ऊपर की तरफ ले जाती है, ठीक है। फिर छोटे छोटे रूप बादलों में, छोटे छोटे बादलों में वो कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, और उसके बाद वो बारिश करना शुरू कर देती है, ओके। और ये सेम प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। इस प्रकार से जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। फिर नेक्स्ट, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबर्न। लेटेंट मीन्स होता है हिडन, हिडन हिडन मीन्स छिपा हुआ, सीड्स मीन्स बीज, और अनबोर्न मतलब कि बोर्न मीन्स क्या होता है, जन्म लेना, और अनबोर्न मीन्स बाहर की तरफ ना आना, जन्म न लेना, ठीक है। तो अब रेन कहती है कि बिना मेरे, कि मेरे बिना अगर मैं बारिश, मैं मेरी जो जो बारिश है, अगर मैं बारिश नहीं करती हूँ या मैं बरसात के रूप में ज़मीन पर नहीं आती हूँ, तो जो ज़मीन में दबे हुए जो बीज है, सीड्स है, वो स्प्राउट नहीं होंगे, वो अंकुरित नहीं होंगे, वो फूटेंगे नहीं, ओके। इसलिए जो पोएम के थ्रू कवि अपनी बात को बताना चाहता है और रेन को इम्पोर्टेंस दे रहा है कि जो रेन है, जो बारिश है, वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंस होती है बारिश की, ठीक है। इतनी यूज़फुल क्यों होती है, उपयोगी क्यों होती है, क्योंकि क्या कहा रेन ने, अपनी इम्पोर्टेंस बताते हुए, अपनी महत्व को बताते हुए रेन ने ये बात कही कि एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, कि बिना मेरे ये सब कुछ कैसा है, बिल्कुल बेकार है। वर्स इट्स ओनली लेटेंट एंड अनबोर्न, और जो ज़मीन में छिपे हुए हैं, ठीक है, जो ज़मीन में जो बीज छिपे हुए हैं, किसानों ने, जो फार्मर्स होते हैं, बीज डालते हैं, ठीक है, अपने खेतों में, अगर बारिश नहीं आएगी तो वो जो बीज है, सीड्स है, वो अनबोर्न या स्प्राउट्स नहीं होंगे, अंकुरित या फूटेंगे नहीं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो बारिश जो रेन है वो अपनी इंपॉर्टेंस बताती है कि मेरे बिना ये जो बीज है, जो ये सीड्स हैं, वो स्प्राउट्स नहीं होंगे। फिर एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजन। और फिर उसके बाद हमेशा के लिए ये जो रेन है ये बताती है हमेशा कि दिन और रात, ठीक है, दिन और रात यही प्रोसेस, यही जो वाटर साइकिलिंग है, ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। और आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजन, मैं अपने उद्गम बिंदु से, ठीक है, क्या देती हूँ, जीवन को वापस देती हूँ, वापस जीवन देती हूँ, ठीक है। और क्या रेन ने क्या कहा, एंड फॉर एवर, और हमेशा बाई डे एंड नाइट, रात और दिन से, ठीक है, रात और दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजन, कि मैं अपने उद्गम बिंदु से जीवन को वापस देती हूँ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो ये इस पोएम की कुछ पंक्तियाँ हैं स्टूडेंट, लाइन्स है, जो हमने अभी इसका वर्णन किया है, डिस्क्राइब की है इस इन लाइन्स को, ठीक है। और
ये जो वर्ड मीनिंग्स बताए हैं, ओके इज दैट क्लियर स्टूडेंट। और वेगली मीन्स होता है थोड़ा, ठीक है। और किस प्रकार से जो कवि है वो रैन की इम्पोर्टेंस को अपनी पोएम के थ्रू बता रहा है, ओके। तो ये कुछ लाइंस थी, ये पंक्तियाँ थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट। तो ये एक बार दोबारा से इसका रीकैप देखते हैं, इसको देखते हैं पोएम को, ठीक है। दोबारा रीकैप, दोबारा मैं आप लोगों को ये पोएम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ताकि ये जो पोएम है और भी ज़्यादा आसान हो जाए, और भी ज़्यादा इजी हो जाए, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है एक बार दोबारा से रीकैप दे रहा हूँ। एंड हु आर थू, ठीक है। हु आर थू का मतलब यहाँ पर जो पोएट है वो बता रहा है कि आप कौन हो। ये जो बात पूछी है पोएट ने, ये बात पूछी है रेन से, बारिश से, ठीक, ओके, कि आप कौन हो। फिर सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंथ टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। फिर ये कहा कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ठीक है, जो सॉफ्ट बारिश होती है, जो बौछार होती है उसको कहते हैं। फिर स्ट्रेंज टू टेल, ये बात उसको अजीब सी लगी, ठीक है, कि एक जो रेन है वो वॉइस कैसे निकाल सकती है, रेन की वॉइस कैसे आ सकती है जबकि रेन साउंड करती है, ओके। उसकी जो आवाज़ जो निकलती है वो साउंड होती है, ठीक है। और फिर उसने कहा कि ट्रांसलेटेड हेयर, ट्रांसलेटेड मीन्स यहाँ पर उसने ट्रांसलेटेड करके बताया, किसने, रेन, ओके। फिर यहाँ पर आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन, यहाँ पर जो रेन है वो कहती है कि मैं पृथ्वी की क्या हूँ, कविता हूँ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पर पृथ्वी, वो जो पोएम, जो रेन है वो कहती है कि मैं पृथ्वी की क्या हूँ, कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ रेन, और ये जो कहा उसने, ये किसकी आवाज़ थी, ये रेन की आवाज़ थी। फिर इटर्नल आई राइज इम्पेलपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। फिर उसके बाद जो रेन है वो क्या कहती है कि मैं कहाँ से निकलती हूँ, ठीक है। उसने कहा, रेन ने कहा कि मैं सी, समुंदर से और भूमि से निकलती हूँ और भाप बनकर ऊपर की तरफ उठती हूँ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, अपवर्ड टू हेवन हैंस वेगली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। उसके बाद जो रेन है वो क्या कहती है कि मैं किस तरफ भाप बनकर ऊपर की तरफ उठती हूँ और किस तरफ जाती हूँ, स्काई की तरफ जाती हूँ। हेवन मीन्स यहाँ पर है स्काई, ओके। तो मैं स्काई की तरफ जाती हूँ। हैंस वेगली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, और वो वहाँ पर जाकर जब ऊपर की तरफ उठती है तो सेम नहीं रहती, ठीक है। वो ऊपर जाकर क्या होता है कि बादल के रूप में बन जाती है और छोटे छोटे बादल का रूप ले लेती है। फिर नेक्स्ट, आई डिसेंडेड टू ले द ड्राउट्स एटमीन्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। फिर उसके बाद अपनी इम्पोर्टेंस को बताते हुए रेन कहती है कि मैं जो पृथ्वी है और पृथ्वी की जो डस्ट लेयर है और एटमीन्स है, जो छोटे छोटे पार्ट है और जो सूखापन है, उसको क्या करती हूँ, दूर कर देती हूँ, उसको गीला कर देती हूँ, उसको बारिश से, अपनी जो बौछार है बारिश से, मैं उसको गीला करके और जो डस्ट लेयर है उसको दूर कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स माई सॉरी ओनली लेटेंट अनबॉर्न। उसके बाद रेन कहती है कि बिना मेरे जो सीड्स है वो उत्पन्न नहीं हो सकते, वो अनबोर्न होते हैं, ओके, और स्प्राउट नहीं हो सकते बिना मेरे। तो अपनी इम्पोर्टेंस को बता रही है कि अगर बारिश नहीं होगी तो जो सीड्स है, जो ज़मीन में दबे हुए हैं, वो स्प्राउट्स नहीं होंगे, वो बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे, जो कि छिपे हुए, लेटेंट मीन्स हिडन होना, छिपे हुए हैं। फिर
फिर नेक्स्ट एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजन। उसके बाद जो रेन है वो कहती है कि मैं हमेशा ही, ठीक है, डे एंड नाइट रात और दिन, जो कि मैं अपने उद्गम बिंदु से क्या कहती हूँ, जीवन को वापस देती हूँ। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट। तो ये इस पोएम के बारे में इसके वर्ड मीनिंग समरी किए हैं, ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आप लोगों की जरूर समझ में आई होगी, ओके। तो इसकी जो नेक्स्ट लाइन्स है, ओके, इसकी एक तो एक्सटेंशन हो रहा है, इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद, ठीक है, इसको समझते हैं इस पोएम को। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो कुछ लाइंस इस पोएम के हमने कंप्लीट की थी, अब नेक्स्ट है इस पोएम में से। एंड ये जो थ्री लाइंस है स्टूडेंट, ये पोएट अपनी तरफ से बताता है, अपनी तरफ से बात करता है, ठीक है, और बताता है कि एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट फॉर सॉन्ग्स इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, ओके, कि ये सॉन्ग के साथ इसकी पोएम की कंपेयर करता है, वर्स की जो पोएम है जो बता रहा है इसकी कंपेयर सॉन्ग के साथ करता है, कवि अपने सॉन्ग के साथ करता है कि ये एक ऐसी पोएम है कि ये जो सॉन्ग है, उसने जो सॉन्ग के बारे में बताया है कि ये कवि के हार्ट से है निकली हुई है, ठीक है, हार्ट से निकला हुआ सॉन्ग है और ये जहाँ मर्जी चला जाए, ठीक है, कहीं भी जाए, ठीक है, उसके बाद ये जो सॉन्ग है वो कवि के हार्ट में ही रहेगा, ओके, कि फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये कहाँ से है, उसके हार्ट से निकला हुआ सॉन्ग है, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, ये घूम कर कहीं पर भी घूम कर और ये किसी को भी पूर्ति दे, लेकिन ये सॉन्ग हमेशा ही पोएट के हार्ट में ही रहेगा, ओके, उसके हृदय में ही रहेगा। रैक एंड अनरैक ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ठीक है, चाहे विधिवत रूप से कोई ध्यान दे इस सॉन्ग पर या न दे, ठीक है, और ये जो लव रिटर्न्स है, ये जो पोएम का जो प्रेम है वो वापस लौट कर कहाँ पर आएगा, उसके जो पोएट है, जो कवि है, उसके पास ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो सॉन्ग निकला है वो कवि के हार्ट से निकला हुआ सॉन्ग है और ये घूम कर वापस कोई से इस सॉन्ग पर ध्यान दे या नया ध्यान दे विधिवत रूप से, लेकिन ये सॉन्ग उसके हार्ट में ही रहेगा, उसके हार्ट में ही रहेगा, उसके हृदय में ही ये सॉन्ग रहेगा। और एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और ये किस प्रकार कैसा बनता है कि ये शुद्ध और सुंदर इसको बनाता है, इस सॉन्ग को कैसा बनाता है, सुंदर और शुद्ध इस सॉन्ग को बनाता है, कवि यही इस पोएम के माध्यम से बताना चाहता है। और कवि ने किस प्रकार से जो रेन है उसकी इंपॉर्टेंस को बताया है कि विदाउट रेन वी कैन नॉट लीव, ओके, हम जीवित नहीं रह सकते बिना रेन के, ओके, क्योंकि रेन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जब फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा नीड होती है बरसात की, ओके, जब वो अपनी फसल की जो बीज होते हैं उनको जब खेतों में डालते हैं और उस टाइम पर वो किसका वेट करते हैं, वो वेट करते हैं सिर्फ रेन का। और ये जो प्रोसेस है, जो वाटर साइकिलिंग है, जो रेन की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, कि रेन ने क्या कहा कि मैं समुद्र से निकलती हूँ, ओके, और भूमि से निकलती हूँ, और उसके बाद समुद्र और भूमि से निकलती हूँ और ऊपर की तरफ आसमान की तरफ उठती हूँ भाप के रूप में, ओके, जब वह भाप के रूप में उठती है तो ऊपर की तरफ जाती है और फिर उसके बाद जो उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है और किस प्रकार कैसा रूप ले लेती है, छोटे छोटे बादल के रूप में वो बदल जाती है और उसके बाद वो बारिश होना स्टार्ट कर देती है। और ये सेम प्रोसेस, ये जो साइकिलिंग है वो प्रक्रिया है जो चलती रहती है। और कवि जो रेन है वो अपनी इम्पोर्टेंस पोएट को बताती है, कवि को बताती है कि मेरे बिना, ठीक है, ये जो ज़मीन है वो कैसी है, एक प्रकार से वर्स्ट है, ठीक है, बेकार है, क्यों, क्योंकि रेन कहती है कि मेरे बिना जो ज़मीन में जो बीज दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, ठीक है, वो स्प्राउट्स नहीं कर सकते, वो फूट नहीं सकते, वो अंकुरित नहीं हो सकते बिना मेरे, ओके, और
वो ज़मीन में ही रहेंगे। अगर बारिश नहीं होती है तो वो ज़मीन में ही रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो बताती है रेन अपनी इम्पोर्टेंस की, मेरे बिना जो ये स्प्राउट नहीं होते हैं, अगर बारिश होती है तो जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउट होते हैं, फसल लहलाती है। ओके, और ये जो सभी अपने बारे में ये सब बातें किसने बताई है, रेन ने बताई है और अपनी इम्पोर्टेंस को बताया है रेन ने इस पोएम के माध्यम से और कवि को। ओके, और ट्रांसलेट करके बताया है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो एक बार दोबारा से रिकैप देता हूँ और ये यहीं पर इतना ही, ये इसका मतलब कि जो स्टेंजा वो कंप्लीट होता है और ये पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है स्टूडेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है पोएम से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी वर्ड मीनिंग्स आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो एक बार दोबारा से कवि, ये जो तीन लाइनें हैं स्टूडेंट, ये कवि ने लिख, कवि बताता है, ठीक है, और कि किस प्रकार से एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, कि किस प्रकार से ये शुद्ध और सुंदर बनाता है। फॉर सॉन्ग्स इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, कि ये जो सॉन्ग है, ठीक है, वो सॉन्ग के साथ कंपेयर करता है और ये जो सॉन्ग है वो उसके जो पोएट है वो उसके हार्ट में ही रहेगा, उसके हृदय में ही रहेगा। ओके, ये उसके जन्म स्थान से लेकर, ठीक है, मतलब कि जहाँ से ये निकला है सॉन्ग, ठीक है, और जहाँ मर्जी चला जाए, ठीक है, कहीं पर भी चला जाए ये सॉन्ग, और उसके बाद कहाँ पर आएगा, ये पोएट के हार्ट में ही आएगा। लोग चाहे इस पोएम पर या इस सॉन्ग पर ध्यान दे या ना दे विधिवत रूप से, लेकिन वापस ये लौट कर कहाँ पर आएगा, पोएट के हार्ट में ही आएगा। ओके, तो ये जो पोएम है ये यहीं पर कंप्लीट होती है स्टूडेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम ज़रूर समझ में आई होगी। ओके, इसके जो वर्ड मीनिंग्स है उसको तैयार कीजिए और इसको रीड कीजिए, इस पोएम को एक बार नहीं दो बार रीड कीजिए, इसको समझिए इस पोएम को। ओके, और कवि बताना चाहता है, कवि ने बताया है कि रेन की इम्पोर्टेंस के बारे में इस पोएम के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पर ये जो रेक है इसका जो मीनिंग है इसका होता है, ध्यान दे या अनरेक मीन्स ध्यान न दे। ओके, ड्यूली मीन्स यहाँ पर विधिवत रूप से। ओके, तो ये कंप्लीट हुई पोएम और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आई होगी। ओके, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।